everyone, this is me Jolly Yadav welcoming you back to our channel Reality 360 Degree. And guys, आज का project दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि मुझे ये project बहुत ज़्यादा पसंद आया है. Basically आज मैं जिस project पर आपको लेकर आई हूँ वहाँ पर आपको मिल रहे हैं AI enabled homes. जी हाँ, smart homes आपको यहाँ पर मिल रहे हैं. मैं बात कर रही हूँ project रुचिरा सफायर की, जिसकी location रहेगी NH24 गाजियाबाद जयपुर या सनराइज ग्रीन्स के अंदर. ये प्रोजेक्ट आपका लोकेटेड रहेगा, 14 लेन NH24 की लोकेशन है. एंड यहां से आपको मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव सभी जगह की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है. मेरठ यहां से मुश्किल से आपका 40 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. ग्रेटर नोएडा अराउंड आपका 45 मिनट्स के दूरी पर रहेगा. नोएडा इज अराउंड 15 मिनट्स फ्रॉम हियर. एंड उसके साथ साथ गाजियाबाद तो मेन सिटी इज अराउंड 5 मिनट्स फ्रॉम हियर. इसके साथ साथ प्रोजेक्ट से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है. यहाँ पर आपका ब्लू लाइन एंड रेड लाइन नियरेस्ट रहेगा. शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन यहाँ से आपका 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. उसके साथ साथ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब नजदीक हैं. मणिपाल हॉस्पिटल वो प्रोजेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है. NH24 के ऑपोजिट मणिपाल हॉस्पिटल है. DPS स्कूल नजदीक में मिल जाता है. शिप्रा मॉल इज ऑल्सो नियर बाय. उसके साथ साथ कॉलेजेस की मैं बात करती हूँ तो संतोष मेडिकल कॉलेज, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपके नजदीक में रहेंगे. प्रोजेक्ट की लोकेशन इसकी सबसे बड़ी USP है. NH24 की लोकेशन है. What else should I say? उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट की भी बात करती हूँ तो ये प्रोजेक्ट IITN द्वारा बनाया गया है. इसके जो बिल्डर है वो एक IITN है. तो आप सोच सकते हैं, आप अपनी उम्मीदें बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको कई सारे स्मार्ट फीचर्स मिलने वाले हैं. अभी मैं आपको घर दिखाऊंगी. घर बहुत ही ज्यादा कमाल का है. यहाँ का जो फ्लैट है उसका लेआउट बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत स्पेशल है. प्लस काफी स्पेशियस यहाँ पर होम्स हैं. मल्टीपल आपको साइजेस के भी ऑप्शन मिल जाते हैं. प्रॉपर आपकी वेल सिक्योर्ड सोसाइटी रहेगी. आपको यहाँ पर 3 लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है. उसके साथ साथ प्रॉपर यहाँ पर ग्रीनरी डेवलप हो गई है. आप यहाँ पर आसपास भी देख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से सोसाइटी को मेंटेन किया गया है. पार्क एरियाज रेडी हो चुके हैं, फाउंटेन्स यहाँ पर लगे हुए हैं एंड जितनी भी अमेनिटीज होती है, क्लब हाउस जैसी फैसिलिटीज सब कुछ यहाँ पर रेडी हो रखी है. सो गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू दिस सोसाइटी. चलिए अब मैं आपको और इंतजार नहीं कराती हूँ एंड इस सोसाइटी का आपको टूर कराती हूँ. So guys, location से आप अवेयर हो चुके हैं. मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ. तो रुचिरा सफायर ये बेसिकली आपका 2 acres के लैंड पार्सल में बना हुआ प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है. एंड यहाँ पर सिर्फ 2 towers ही हैं जिनकी हाइट रहेगी S+22 floors की. स्टिल्ट बेस्ड आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा. साथ ही साथ 23 and 24 floor पर यहाँ पर आपके लिए अमेनिटीज मौजूद रहेंगी जिसमें आपका क्लब हाउस इंक्लूडेड रहेगा. प्रोजेक्ट में 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स की ही यूनिट्स हैं. 2 BHK में 3 sizes हैं एंड 3 BHK में भी आपको 3 sizes मिल जाते हैं. साइजेस आपके स्क्रीन पर मेंशन हैं. प्लस सबसे अच्छी बात ये है इस प्रोजेक्ट की कि यहाँ पर आपको स्मार्ट होम्स फीचर्स मिल रहे हैं. जी हाँ, यहाँ के जो होम्स हैं वो एलेक्सा कंपैटिबल होम्स हैं एंड आपके वॉइस के कमांड पे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपके वॉइस के कमांड पर आप पूरे घर को अपने कंट्रोल कर सकते हैं. ये जो स्मार्ट होम्स हैं ये बेसिकली एक बेल्जियम बेस्ड कंपनी ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है एंड यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन है टेलीटास्क डोमोटिक्स, जिसके थ्रू आप पूरे अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइट्स, फैन, स्विचेस, एवरीथिंग आप अपने एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर आपको RFID टचलेस स्मार्ट लिफ्ट भी मिल जाती है. 100% आपको पावर बैकअप मिल रहा है आपके पूरे कंफर्ट के लिए. उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कई सारे और फीचर्स भी मिल जाते हैं, कई सारी और अमेनिटीज मिल जाती हैं, जैसे डिश टीवी, फाइबर टू होम, स्प्लिट ACs जैसी और भी आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिल जाती हैं. गाइस, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन दिस बजट होम सेगमेंट दैट इज बीइंग इक्विप्ड विद दिस टाइप ऑफ प्रीमियम क्वालिटी कटिंग एज होम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी. आपको इस रेंज में, इस एरिया में कहीं पर भी इस तरीके की अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज कोई और बिल्डर नहीं दे रहे हैं. साथ ही साथ ये काफी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट भी है. यहाँ पर सिर्फ 2 towers हैं एंड इन टोटल यहाँ पर सिर्फ 306 units ही हैं.
साथ ही साथ उसके साथ यहाँ पर प्रॉपर आपके पास आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज के लिए भी डेडिकेटेड स्पेसेस रहेंगे। यहाँ पर अंदर ही यहाँ पर पार्क भी है प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें कि आपके पास सिटिंग एरियाज आ जाते हैं, आपके पास स्पोर्ट्स एरियाज के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। एंड दिस इज अ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज भी काफी ज्यादा एक्सीलेंस लेवल की मिलने वाली है। फिलहाल मैं आपको यहाँ का क्लब हाउस दिखाने वाली हूँ, तो अभी फिलहाल मैं आपको क्लब हाउस में लेकर चलती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का सैंपल अपार्टमेंट। एंड सैंपल अपार्टमेंट बहुत ही कमाल का है, आप देख के इसको खुश हो जाएंगे। लेआउट इज वेरी ब्यूटीफुल, लेआउट काफी ज्यादा यहाँ पर आपको यूनिक मिल रहा है। फिलहाल मैं आपको यहाँ की सोसाइटी को दिखाती हूँ और यहाँ की और अमेनिटीज को आपको दिखाती हूँ। मैं प्रोजेक्ट के टॉप फ्लोर पर हूँ, टेरेस एरिया पे हूँ, एंड यहाँ पर आपको मिल रही है रूफ टॉप अमेनिटीज। यहाँ पर आपका क्लब हाउस मौजूद रहेगा, उसके साथ साथ कई सारी और अमेनिटीज आपको मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गार्डन एरिया बना रखा है, प्लस यहाँ पर आप सिटिंग एरियाज भी रहेंगे, यहाँ पर आप छोटी मोटी पार्टी होस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका लिफ्ट का प्रोविजन रहेगा। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन टू एयर सिटिंग एरियाज मिल जाते हैं, मल्टीपल यहाँ पर आपके सिटिंग एरियाज के ऑप्शंस रहेंगे, प्लस यहाँ पर काफी सारा स्पेस खाली भी है, तो यहाँ पर आप गैदरिंग कर सकते हैं एक छोटी मोटी, एंड काफी अच्छा यहाँ पर भी प्रॉपर ग्रीनरी भी डेवलप कर दी गई है। प्लस फर्दर मैं आपको यहाँ पर और ले जाती हूँ, तो यहाँ पर आपको 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में क्लब हाउस भी डेवलप करके दिया जा रहा है। क्लब हाउस आपका रेडी कंडीशन में है, ऑपरेशनल कंडीशन में है, सारे इक्विपमेंट्स उसमें लग चुके हैं, एंड यहाँ पर रेसिडेंट्स उसको यूज भी करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लब हाउस भी दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है यहाँ का क्लब हाउस, आप देख सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर लग चुके हैं, इट इज इन ऑपरेशनल कंडीशन। गाइस, यहाँ पर आपको कई सारे इंडोर गेम्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, फिलहाल कुछ इंडोर गेम्स यहाँ पर आने हैं। यहाँ पर आपका बिलियर्ड्स रहेगा, प्लस ये एरिया आपका कम्युनिटी हॉल के लिए रहेगा, यहाँ पर मल्टीपर्पज स्पेस है जिसे कि रेसिडेंट्स अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको ओपन एरिया मिल जाता है, ओपन बैंकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आप पार्टी होस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा यहाँ पर वॉकिंग स्पेस मिल जाता है, रेस्टोर्स मिल जाते हैं, कई सारी और अमेनिटीज आपके इस कॉर्नर पे ही रहेंगी। ऊपर से आपका व्यू भी काफी ज्यादा कमाल का रहेगा, एंड शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, काफी अच्छी हवाएं चलती हैं, एंड आपको यहाँ पर रूफ टॉप पर काफी सारी ऑपरेशनल अमेनिटीज मिल रही हैं, जो कि बहुत ही रेयरली आपको किसी प्रोजेक्ट में मिलती हैं। अमेनिटीज काफी लेट डेवलप होती हैं, बट यहाँ पर आपको पहले से ही डेवलप मिल रही है। गाइस, दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। एक फ्लोर पर आपके 7 फ्लैट्स रहेंगे, 7 अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास लिफ्ट का प्रोविजन रहेगा, साथ ही साथ स्टेयरकेस रहेंगी। आपके हर एक फ्लोर पर 3 लिफ्ट प्रेजेंट रहेंगी। एंड अभी फिलहाल मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक 3 BHK सैंपल अपार्टमेंट, जिसका साइज है 1787 स्क्वायर फीट, एंड ये रहेगी इसकी मेन एंट्रेंस। गाइस, ये आपके स्मार्ट होम्स रहेंगे, यहाँ पर आपको काफी सारे स्मार्ट फीचर्स मिलने वाले हैं। एंट्रेंस से ही मैं शुरू करूं तो आपको यहाँ पर स्मार्ट लॉक का फीचर मिल जाता है। पूरे प्रोजेक्ट में टेलीटास्क नाम का एक मोबाइल ऐप रहेगा, एंड इस मोबाइल ऐप से आप अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपने यहाँ पे एंट्रेंस, आपका जो स्मार्ट लॉक है, वो भी आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आप अपने दरवाजे को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन से। फ्रेंड्स, एज यू एंटर आप आ जाते हैं यहाँ के लिविंग कम ड्रॉइंग स्पेस में। सो दिस कंप्लीट स्पेस इज योर लिविंग एंड ड्रॉइंग स्पेस। यहाँ पर आपका ये LED पैनल, दिस इज इंक्लूडेड। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्मार्ट फीचर्स मिल रहे हैं, एलेक्सा से आप पूरा अपना घर कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट्स, फैंस, स्विचेस, कर्टेंस, everything can be controlled here by the Alexa. So guys, living के आपके बिल्कुल आगे आ जाता है आपका drawing space, साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा sitting area मिल जाता है, and here is the dining space. ये आपका पूरा dining रहेगा, यहाँ पर आपकी 6-seater dining table है, plus आपको living में यहाँ पर balcony का access भी मिल जाता है, ये आपकी private balcony रहेगी, and ये curtains भी आप control कर सकते हैं। फर्दर डाइनिंग के आगे आ जाती है आपकी कंप्लीट मॉड्यूलर किचन। सो यू कैन सी हाउ
स्पेशियस इट इज, काफी स्पेशियस यहाँ पर आपको एल शेप मॉड्यूलर किचन मिल जाती है विद ऑल दीज वार्डरोब्स। ये आपके वार्डरोब पूरा कंप्लीट रहेगा, टाइल वर्क इज इंक्लूडेड, ये आपका स्लैब एरिया रहेगा एंड हियर इज द वॉशिंग एरिया, इनवेयर की आपकी फिटिंग्स रहेंगी। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो भी फिटिंग्स यूज की गई हैं वो सारी आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की रहेंगी एंड आपको गारंटी मिल रही है यहाँ पर फिटिंग्स के ऊपर, आपको यहाँ पर गारंटी मिल रही है जो भी यहाँ पर फिटिंग्स यूज की गई है। विद दैट आपको किचन के साथ यहाँ पर यूटिलिटी एरिया का भी एक्सेस मिल जाता है जिसे कि आप एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। फर्दर इसी पैसेज के थ्रू आपके आगे आ जाते हैं बेडरूम्स एंड हियर इज योर बेडरूम नंबर वन। ओके, दिस इज वेरी स्पेशियस। सो हियर इज योर बेडरूम नंबर वन, आप ये मेरे पीछे पूरा वॉल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, दिस मिरर इज इंक्लूडेड, प्लस हियर इज द टीवी पैनल, पूरा वुडन वर्क के साथ आपको यहाँ पर टीवी पैनल मिल रहा है। उसके नेक्स्ट रहेगा आपका वार्डरोब एरिया, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। सो ये रहेगा आपका वार्डरोब स्पेस जिसके अंदर आपको लाइट्स भी फिटेड मिल रही है एंड दिस स्पेस इज ग्रेट। बस यहाँ पर आपके पास कर्टन्स रहेंगे जिसके साथ आपका रहेगा बालकनी का स्पेस। बालकनी इज इन अ वेरी गुड साइज, इनफैक्ट दिस बेडरूम इज इन अ वेरी स्पेशियस साइज। बेडरूम के साथ साथ आपको यहाँ पर अटैच वॉशरूम भी मिल जाती है, स्मार्ट लाइट के साथ आपकी वॉशरूम रहेगी जिसमें आपका वैनिटी एरिया रहेगा, स्मार्ट आपको यहाँ पर पॉट मिल जाता है, अंदर सारी आपकी प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग्स रहेंगी, हिमवेयर एंड जैगुआर की आपकी यहाँ पर फिटिंग्स रहेंगी। एंड गाइस बेडरूम नंबर वन के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगा आपका बेडरूम नंबर टू, इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, बस अगेन ऑन दिस वॉल इज योर टीवी पैनल व्हिच इज कंप्लीट, पूरा आपका इंटीरियर वर्क कंप्लीट रहेगा। ये आपका मास्टर बेडरूम है एंड आप इस वॉल पर देखिए आपके जो बेड की पीछे वाली वॉल है यहाँ पर आपको कुशनिंग मिल जाती है, प्लस आपको ग्लास का इंटीरियर मिल जाता है। इंटीरियर ऑफ दिस फ्लैट इज जस्ट अमेजिंग, प्लस यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको वॉक इन वार्डरोब स्पेस भी मिल जाता है, यहाँ पर आपकी रहेंगी वार्डरोब एंड इसी के एडजॉइनिंग रहेगी आपकी अटैच वॉशरूम, वॉशरूम भी आपको फिनिश कंडीशन में दी जाएगी, सारी फिटिंग्स के साथ आपकी ये वॉशरूम कंप्लीट रहेगी। उसके साथ साथ आपको इस बेडरूम में भी बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। तो गाइस ये बालकनी आपकी रनिंग बालकनी है जो कि दो बेडरूम के साथ कनेक्टेड है, काफी अच्छी लेंथ एंड ब्रेथ के साथ आपको ये बालकनी भी मिलती है। एंड हियर इज योर थर्ड एंड फाइनल बेडरूम, ये देखिए तो ये रहेगी आपकी बालकनी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई एंड हियर इज द वार्डरोब स्पेस, आपको ये पूरी वार्डरोब फिटेड आपको मिलेगी, फुल वॉल लेंथ आपकी वार्डरोब रहेगी। हियर इज द बेड, बेड इज नॉट इंक्लूडेड, उसके साथ साथ आप यहाँ की फॉल सीलिंग भी चेक कर सकते हैं, सभी बेडरूम्स में आपको फॉल सीलिंग भी कंप्लीट मिल रही है। एक चीज आपने नोटिस की होगी यहाँ की जो बेडरूम्स हैं वो काफी ज्यादा वेल लिट बेडरूम्स हैं, नेचुरल लाइट काफी ज्यादा यहाँ पर आ रही है फ्लैट के हर पार्ट में। उसके साथ साथ इस बेडरूम में आपको कॉमन वॉशरूम भी मिल जाती है जिससे कि आप थर्ड बेडरूम एंड बाहर के एरियाज के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ये वॉशरूम आपको फिनिश्ड कंडीशन में मिलेगी। So guys, that was all about our today's project, Ruchira Sapphire. आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद आया है एंड मेनली बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड द फीचर्स। लोकेशन कमाल की है एंड फीचर्स आपको काफी ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। इस बजट सेगमेंट में आपको इस पूरे एरिया में, इनफैक्ट पूरे NCR में आपको इस लेवल के फीचर्स कहीं और नहीं मिलेंगे। यहाँ के जो अपार्टमेंट है वो स्मार्ट फीचर्स से लोडेड है, प्लस सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि कोई दूसरा बिल्डर इस बजट सेगमेंट में आपको नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ आपने यहाँ की अमेनिटीज देखी ही होंगी, काफी स्पेशल यहाँ पर आपको अमेनिटीज भी मिल रही हैं, लग्जरी सेगमेंट का यहाँ पर फील आ रहा है, वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट में। काफी पॉकेट फ्रेंडली आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा एंड मैंने पैसों की बात की है तो मैं आपको यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस बता देती हूँ। तो यहाँ का जो 2 BHK है उसे आप सिर्फ 65 lakh rupees में ओन कर सकते हैं। यस, विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 65 lakhs भी इसका स्टार्टिंग प्राइस है। इतनी अच्छी सोसाइटी आपको मिल रही है, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लोकेशन इज टू गुड,
NS24 की आपकी लोकेशन रहेगी एंड इन जस्ट 65 लाख्स। बट यस, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो कॉस्टिंग भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको दो कैटेगरी के अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, एक प्रीमियम कैटेगरी रहेगी, एक आपकी स्टैंडर्ड कैटेगरी रहेगी। तो जो फर्स्ट टू फिफ्थ फ्लोर के अपार्टमेंट्स रहेंगे वो प्रीमियम कैटेगरी में आ जाते हैं एंड 6 से 22 फ्लोर्स के जो फ्लैट्स रहेंगे वो आपके स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड दोनों में डिफरेंस यही है कि जो आपका इंटीरियर है, जो आपको सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिल रहे हैं उसके अंदर आपके थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। प्रीमियम में आपको ज्यादा अच्छा इंटीरियर मिलेगा एंड ज्यादा आपको सेमी फर्निश्ड में ज्यादा आपको यहाँ पर अंदर चीजें मिल जाएंगी एंड स्टैंडर्ड में आपको थोड़ी सी कम मिलेंगी। उनके बारे में इन डिटेल समझने के लिए एंड जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर। बट अदरवाइज दिस प्रोजेक्ट इज टू गुड, दिव्यांश ऑनिक्स के बिल्कुल बराबर ये प्रोजेक्ट रहेगा एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग मोर। यूएसपीज इसकी आप खुद ही देख चुके होंगे थ्रू आउट द वीडियो। सो गाइज, आई वुड ओनली से कि आप एक बार आइए इस प्रोजेक्ट को, इस प्रॉपर्टी को एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि NH24 पर आई डोंट थिंक देयर एनी अदर सोसाइटी बेटर देन रुचिरा सफायर। एक बार आपको इसे विजिट जरूर करना होगा, एक बार आके देखना जरूर होगा, क्योंकि आप एक बार देख लेंगे तो आपको कोई दूसरी सोसाइटी पसंद नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है एंड लिमिटेड इन्वेंट्रीज भी बची हुई है, रेडी टू मूव है। आपको पोजेशन का वेट नहीं करना है, आप प्रॉपर्टी जैसे ही बुक करते हैं आप उसके अगले दिन यहाँ पर मूव इन कर सकते हैं, तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का वेट नहीं करना है, तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट हो जाता है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट रुचिरा सफायर। आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल रियलिटी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कर लीजिए।